वो अपनी धना दीदी के पास जा रहा है। ये देखो धना दीदी से उसकी बड़ी दोस्ती है। ये जो आपने क्लिप्स देखी एक्चुअली कल मॉर्निंग की थी, कल उसके बाद पूरा दिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई एंड आज एक्चुअली इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। सबसे पहले तो आई होप एवरीबॉडी इन मुंबई इज होम सेफली बिकॉज बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है। पता चला था कि शायद ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा जाम हो गया है एंड कई जगहों पे वाटर लॉगिंग है। सो आई रियली होप कि हर कोई जो है सेफली घर पहुंच गया है। हम आज कहीं बाहर गए ही नहीं और शोएब ने अपना जिम भी कैंसिल कर दिया और सब कुछ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रेन्स। तो इसलिए मैंने उठाया मौके का फायदा और मैंने शोएब का फेस रिज्यूम कर दिया जो आप लोगों ने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा। सो आज हम सब घर पे हैं, चिल कर रहे हैं। तो शोएब का बहुत दिनों बाद मन कर रहा है आज दाल बाटी खाने का, तो मैं जा रही हूँ सबके लिए दाल बाटी बनाने और अपने लिए कुछ अलग सा ट्राई करने। तो चलिए वो बनाते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रुहान फ्लोर पे खेल रही है अपने आप से और यहाँ पर उसको बुला रही है उसके खनक दीदी जो कि हाउस हेल्पर है दीपिका के घर के। दीपिका रुहान को सबके साथ मिलने देता है, सबके साथ खेलने देता है। ऐसा नहीं है कि रुहान को रोकते हैं कि उसके पास मत जाओ। दीपिका की मेंटलिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप सब कोई भी दीपिका के लिए प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत किया करो। और यहाँ पर देखिए दीपिका सबके लिए दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं और उसी का प्रिपरेशन ले रहे हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए उसका रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। और देखते रहे इब्राहिम फैमिली की ब्लॉग्स और रूहान के लिए दुआ कीजिए।